हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। वीकेंड का वार मैंने देखा, और लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं इंडिया के लिए ट्रैवल कर रही थी। कुछ रीज़न थे, पर्सनल रीज़न, उस वजह से। तो मैंने ये देखा कि सलमान खान ने कितना अंकिता को ब्लाइंडली सपोर्ट किया और ईशा को लगाई लताड़। चलो, ईशा को आप लताड़ लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत जायज़ भी है और ज़रूरी भी था। पर अंकिता को जितना ब्लाइंडली सपोर्ट किया गलत चीज़ों के लिए भी, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। ठीक है, आप सलमान खान हैं, आप सोसाइटी में एक पावर रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, पर किसी फैमिली को इतना डिमीन करना आपके खुद के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगी। सलमान खान ने वीकेंड के वार में कहा कि जैन फैमिली को शायद बिलासपुर में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं सलमान खान को ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप प्रोफाइल चेक कीजिए और जैन समाज में जैन फैमिली के कद को जानने की कोशिश कीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि उस फैमिली का कितना इन्फ्लुएंस है अपने समाज में और बिलासपुर में। दूसरी बात, सलमान खान, मुझे रेशु जैन से भी ये शिकायत है कि ठीक है, वो सलमान खान था, है, पर जो बात वो गलत बोल रहे थे उसका रेशु को बोलना चाहिए था कि ये गलत है। ठीक है, सलमान खान है तो ये हक नहीं बन जाता कि वो ये बोलें या गलत आपकी फैमिली को पोर्ट्रे करें। और बीच बीच में आप लोगों को क्रैकर्स की आवाज़ आती रहेगी क्योंकि आज राम मंदिर की स्थापना, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया में, तो उसकी वजह से ये बम वगैरह हो रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। रेशु से सलमान खान ने यह भी बोला कि आपकी मदर इन लॉ ने बोला कि पैसे, अंकिता के खर्चे बहुत हैं, वो खर्चा बहुत करती है, तो ये ज़रूरी है कि हस्बैंड ही अपनी वाइफ का खर्चा उठाए। कौन बोलता है कि ये गलत है? ये बिल्कुल सही बात है, पर यह कहीं पे नहीं लिखा है कि हस्बैंड पूरे ख़ानदान का खर्चा उठाए। और जो ख़ानदान का खर्चा उठा रहा है ना, तो उसको गोल्ड डिगिंग बोलते हैं। आप उसको गोल्ड डिगिंग नहीं समझते होंगे, पर इन वर्ल्ड वो गोल्ड डिगिंग ही कहलाती है। और अगर मिसेस जैन ने ये चीज़ उठाई तो वो कुछ भी गलत नहीं है। फिर सलमान खान ने ये वो बात रेशु की फैमिली पे भी लेके गए, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट लेती तो भी क्या आपकी सास यही बोलती? तो मुझे लगता है रेशु को ये चीज़ बिना डरे बोलना चाहिए था कि मेरी फैमिली बैकबोन रखती है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है कि वो लोग मेरे ससुराल से पैसे नहीं लेते, और अगर लेते भी फाइनेंशियल हेल्प तो गोल्ड डिगिंग और फाइनेंशियल हेल्प लेने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से जैन फैमिली ने आकर अपनी कंप्लेन दर्ज करी थी अंकिता से, मुझे तो लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा ही गोल्ड डिगिंग कर रहे थे, वरना वो लोग इतने रिच है कि उनको थोड़े मोड़े से तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट जिन घरों में दो बहुएँ होती हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम, सलमान खान ने ये बोला कि आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, क्योंकि जितनी छूट अंकिता लोखंडे को मिली है, कोई कंजर्वेटिव फैमिली इतनी छूट नहीं देती। वो बहुत ही एक ओपन माइंडेड फैमिली है, बट सर्किट नहीं है, फैमिली वैल्यू सिस्टम में वो लोग रहते हैं, इसलिए ये बातें कहने में आई हैं। फैमिली वैल्यू सिस्टम होना और उस फैमिली का कंजर्वेटिव होना, ये दो अलग चीज़ें हैं, और ये एक फैमिली मैन ही समझ सकता है। वो लोग नहीं समझ सकते जिनके घर में कभी भी शादी होती है, कभी भी तलाक होती है, और कई बार बिना शादी के भी लोग बहुत ज्ञान दे देते हैं। किसी भी फैमिली का वैल्यू सिस्टम क्या है, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी का नहीं होता, तो ये चीज़ समझने वाली है। और जिस तरीके से वीकेंड के वार में जिस तरीके से धो डाला सलमान खान ने रेशु भाभी को, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। पहली बात तो वो उनके घर की बहू है, और नेशनल टीवी पे इतनी ज़्यादा अगर बेइज्जतियाँ हो रही हैं उन लोगों की, तो वो लोग बोलेंगे। सलमान ने ये भी बोला कि आंटी को फ़ोन कट कर देना चाहिए जो लोग उनको पिन कर रहे हैं। हर बार आपस में बात करना, पिन करना नहीं होता। और ये कौन, वो लोग नहीं समझ सकते जिनके कोई नाते रिश्तेदार ना, ये लोग वही समझ सकते हैं जिनके खुद के नाते रिश्तेदार होते हैं। कैसे फैमिली सोसाइटी में उठा बैठा जाता है, क्या संस्कार होते हैं, ये कोई और ना समझ सकता है, ना किसी को अधिकार है ये समझाने का।
जिस तरीके से सलमान खान रेशु को समझा रहे थे, अगर उसे समझाना ही था तो वो मिसेस रंजना जैन से बात करते। रेशु ने तो ये सारी चीज़ें बोली नहीं थी। रेशु को बुलाया गया और उसे बात की। मैं तो मतलब मेरी पर्सनल राय है कि इन लोगों को वीकेंड के वार में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब जितनी बेइज्जती अंकिता ने की उससे ज़्यादा बेइज्जती सलमान खान ने इस फैमिली की कर दी, जो कि सही नहीं है। ज्ञान तब दो जब आप खुद उस चीज़ पे अनुसरण करते हो, और मुझे नहीं लगता फैमिली वैल्यू संस्कारों और बहुओं से कैसे बातचीत करना ये सलमान खान को बताना चाहिए था, क्योंकि आपके घर में खुद ही दो दो डिवोर्स होके बैठे हुए हैं, आपने खुद ने शादी भी नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये ज्ञान देना चाहिए था किसी रिनाउंड फैमिली को। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। और वैसे भी अब तो बिग बॉस ख़त्म होने वाला ही है। गॉड ब्लेस द जैन फैमिली, कंसोल दैट फैमिली, और भगवान करे कोई फैमिली मेंबर अच्छी रिनाउंड और समझदार और समाज में स्थान रखने वाली फैमिली अपने बच्चों को बिग बॉस जैसे शोज में ना ही भेजे तो बेहतर, क्योंकि जो इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं बिग बॉस वाले चुटकियों में उड़ा देते हैं, और उस चीज़ों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई जो गलत है वही तो सही है। इसी तरीके से हमारे भारतीय संस्कारों पे चोट की जा रही है, हमारे संस्कारों को खराब किया जा रहा है। मैं तो फैमिली मेंबर से ये मतलब जो भी हैं अच्छी फैमिली के लोग हैं, मैं यही उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपकी पहुँच है भी बिग बॉस जैसे शोज़ में तो अपने बच्चों को वहाँ मत भेजिए, हमारे संस्कारों पे ये चोट है।